देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जहां पर जन्माष्टमी पर्व की धूम है, वहीं जिला बिलासपुर के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में कई विदेशी बच्चे पहुंचे। एक ग्रुप में आए जिनमें से पूरे वर्ल्ड से 21 देशों के बच्चे ये पंजाब के अमृतसर से शैक्षणिक भ्रमण के लिए यहां पहुंचे। इनमें चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, यूरोप, जर्मनी, रशिया आदि 21 देशों के बच्चे शामिल थे। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जहां पर जन्माष्टमी पर्व की धूम है, वहीं जिला बिलासपुर में विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में कई विदेशी बच्चे पहुंचे। ये बच्चे एक ग्रुप में आए जिनमें पूरे वर्ल्ड से 21 देशों के ये बच्चे पंजाब के अमृतसर से शैक्षणिक भ्रमण के लिए यहां पहुंचे। इनमें चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, यूरोप, जर्मनी, रशिया आदि 21 देशों के बच्चे शामिल थे। इन सभी बच्चों को यहां पर सिखों के दशमेश गुरु गोविंद सिंह के और मां श्री नैना देवी जी के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इन बच्चों को पंजाब के अमृतसर में अकेडमी में योगा, मेडिटेशन, गतका, शस्त्र विद्या और सभी सिख धर्म से जुड़ी शिक्षा दी जाती है। इन्हें मंदिर न्यास नैना देवी के द्वारा मंदिर की चुनरी देकर सम्मानित भी किया गया। Sing Yogi, and he taught Kundalini Yoga, meditation, and also Gatka, Shastra Vidya, all of the Dharmic education in Sikh Dharma, but also about the world and normal studies as well, Cambridge and everything. Some students coming from China. Some students from China, some students from Malaysia, Indonesia, Africa, America, United States, Canada, Mexico, Europe, 21 different countries. Academy students from all over the world, 20 different countries. They came here because Dasam Pita Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji from Anand Prasad came here and did tapasya, and we were told by our teachers to come here and also have the blessing where Guru Gobind Singh Ji sat and meditated on Durga and had this blessing in this place. So we came here to receive the blessing as well. Thank you very much. China, Mexico, Germany, Poland, Italy, France, China, Taiwan, Russia, America, Canada. Which we have a regular education and also a spiritual path, yoga, meditation, and we come and visit temples, then they become more spiritual. Institution is in Amritsar, Cherta. My name is Ayuni Singh.